Hey guys, so इस वीडियो में हम लोग देखेंगे how to calculate bearings from angles. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Bearing of line AB is 60 degree and angle ABC and angle D is given. So now you have to find bearings of all the other lines. ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपको ये चार angles और एक bearing को यूज करके remaining जितनी भी lines हैं उनकी bearing निकालनी है. ठीक है? तो स्टेप वन में पहले आपको फिगर बनानी है. अब क्या गिवन है? बियरिंग ऑफ ए बी इज 60 डिग्री 0 मिनट. तो एक पॉइंट लगा लो यहाँ पर ए, ये नॉर्थ एरो. नॉर्थ से 60 डिग्री के एंगल पे बी पॉइंट है. ठीक है, अब एंगल ए दे रखा है 140 डिग्री 10 मिनट्स. तो 140 डिग्री 10 मिनट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये इंटीरियर एंगल है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है. यहां से लेके यहां तक का एंगल हो गया आपका 140 डिग्री 10 मिनट्स. अब एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री 8 मिनट्स. तो 90 डिग्री 8 मिनट्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो इसको यहां तक एक्सटेंड कर दिया हमने 90 डिग्री 8 मिनट. एंगल डी कितना दे रखा है? 69 डिग्री 20 मिनट्स. तो डी यहां पर है. तो इंटीरियर एंगल है 69 डिग्री 20 मिनट्स. तो मतलब यहां से ये इंटीरियर एंगल इस डायरेक्शन में जा रहा है 69 डिग्री 20 मिनट्स. और एंगल सी है 60 डिग्री 22 मिनट्स. तो इस तरीके से हमने एक रफ फिगर बना ली. अब बियरिंग्स निकालना है हमें. लाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, यहां पर लिखते हैं हम फोर बियरिंग और ये हो गया बैक बियरिंग. अच्छा, अब पिछली वीडियो में आपको याद होगा अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है तो बैक बियरिंग में क्या होता है? फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री. अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो बैक बियरिंग कैसे निकलेगा? फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री. ये याद रखना. और दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे बियरिंग्स निकालने के लिए वो ये है. सपोज इस पॉइंट को ले लो आप, बी पॉइंट को. ये बी पॉइंट है, इस डायरेक्शन में ए है, इस डायरेक्शन में सी है और इसके अंदर एक इंटीरियर एंगल दे रखा है. मैं इसको थीटा अभी मान लो. आपको यहाँ गिवन क्या है? आपको एक फोर बेयरिंग दे रखा है 60 डिग्री 0 मिनट्स. अगर फोर बेयरिंग दे रखा है तो बैक बेयरिंग भी निकल आएगा. तो मान के चल लो कि ये जो बैक बेयरिंग है यहां से लेके यहां तक ये हमने निकाल लिया. तो यहां से लेके यहां तक जो बैक बेयरिंग है वो गिवन है. अब इस बैक बेयरिंग में से अगर ये इंटीरियर एंगल हम माइनस कर रहे हैं तो रिजल्टेड एंगल एंगल हमारा यहां तक आ गया. तो ये जो एंगल है ये बन गया फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बीसी. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम आगे यूज कर रहे हैं. यहां से लेके यहां तक बैक बेयरिंग है, बैक बेयरिंग में से इंटीरियर एंगल माइनस कर दिया, रिजल्टेंट बना फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बीसी. तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन. अब 60 डिग्री दे दिया तो हम यहां लिख देते हैं 60 डिग्री 0 मिनट. 60 डिग्री 180 डिग्री से कम है तो बैक बेयरिंग में 180 डिग्री ऐड होगा. अब 240 डिग्री मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल ये 240 डिग्री. इसमें से ये एंगल 90 डिग्री 8 मिनट्स माइनस कर दिया हमने, 90 डिग्री 8 मिनट. 149 डिग्री 52 मिनट. तो वो यहां तक का एंगल है तो बीसी का फोर बेयरिंग हो गया 149 डिग्री 52 मिनट्स. अब फोर बेयरिंग 180 डिग्री से कम है तो बैक बेयरिंग के लिए 180 डिग्री ऐड होगा. कितना आया?
329 degree and 52 minutes. ठीक है, तो C से अगर आप B को देख रहे हो तो 329 डिग्री 52 मिनट्स आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हो गया 329 डिग्री। अब उसमें से हम इतना एंगल माइनस करेंगे 60 डिग्री 22 मिनट्स, 329 डिग्री 52 मिनट्स माइनस 60 डिग्री 22 मिनट्स, 269 डिग्री 30 मिनट्स। तो 269 डिग्री 30 मिनट्स मतलब यहाँ तक का जो एंगल है, तो ये एंगल हो गया लाइन CD का फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, तो बैक बेयरिंग में 180 डिग्री माइनस करो, आया कितना 89 डिग्री 30 मिनट्स। तो D पॉइंट से C पॉइंट देख रहे हो आप 89 डिग्री 30 मिनट्स, अब उसमें से 69 डिग्री 20 मिनट्स आपने माइनस कर दिया, ट्वेंटी डिग्री टेन मिनट्स क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का एंगल, ये 20 डिग्री 10 मिनट्स। तो मतलब DA का फोर बेयरिंग 20 डिग्री 10 मिनट्स, फोर बेयरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, तो बैक बेयरिंग में 180 डिग्री ऐड कर दो, कितना आया 200 डिग्री 10 मिनट्स। अब आपने सारी बियरिंग्स निकाल दी, अब लास्ट में क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, अगर इन्हीं रीडिंग्स को यूज करने के बाद आप लास्ट में ए बी का फोर बेयरिंग निकालते हो तो 60 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। 200 डिग्री 10 मिनट्स मतलब ये डी ए का बैक बेयरिंग है, तो यहां से लेके पूरा यहां तक का एंगल ये है 200 डिग्री 10 मिनट। अब इसमें से हम 140 डिग्री 10 मिनट्स माइनस कर रहे हैं, 140 डिग्री 10 मिनट्स माइनस कर दिया, आया आपका कितना 60 डिग्री 0 मिनट। तो ए बी का फोर बेयरिंग हो गया 60 डिग्री 0 मिनट, तो हमारी जो भी बियरिंग्स हैं सारी वो करेक्ट हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।